हेलो गाइस, आज हम एक नॉर्मल कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें बेसिकली एक एरे गिवन होता है, उसमें उस एरे में से हमें एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके रिटर्न करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट कोड लेके हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे। हम उसमें पांच एलिमेंट डालते हैं, पांच एलिमेंट 12, 17, 40, 3 एंड 11, राइट। एरे का साइज़ हमें गिवन है 5, तो हमें इस एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करके रिटर्न करना है, राइट। उस रिटर्न हम उस मिनिमम नंबर को एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, फंक्शन कॉल कर देंगे गेट मिन, जिसमें हम अपना एरे एंड उसका साइज़ पास आउट कर देंगे, एंड ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा मिनिमम नंबर इस एरे में से, राइट। एंड तो अब इस फंक्शन को लेते हैं, ये फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम इंटीजर गेट मेन, इसमें हमें एक एरे मिल रहा है एंड हमें एक साइज़ मिल रहा है एरे का, राइट। हम एक नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट, जिसमें हम अभी इनिशियली मान लेते हैं कि हमारा जो मिनिमम है, मिनिमम नंबर है, वो एरे का 0th एलिमेंट है, राइट। अब हम अपने पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन तक चलेगा लूप, एंड आई प्लस प्लस, राइट। अगर एक कंडीशन लिखेंगे, अगर हमारा एरे का आईथ एलिमेंट जो है वो छोटा है रिजल्ट से, राइट, जो हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अगर हमारा एरे का आईथ एलिमेंट इस रिजल्ट से छोटा है, तभी हम अपने रिजल्ट को अपडेट कर देंगे आईथ एलिमेंट से, राइट। तो ये लूप क्या करेगा कि सबसे पहले 12 देखेगा, हमने 12 से रिजल्ट को डिक्लेयर किया, लूप चलाया, 12 को चेक किया कि 12 हमारे 12 12 से छोटा है, नहीं है। देन लूप आगे गया, 17 12 से छोटा है, जो कि नहीं है। नेक्स्ट पे हम गए तो 40 12 से छोटा है, वो भी नहीं है। तो हमने देखा 3 12 से छोटा है, यस 3 12 से छोटा है, तो हमने क्या करा, रिजल्ट में 3 डाल दिया, राइट। देन हम नेक्स्ट में गए, 11 3 से छोटा है, 3, अब रिजल्ट हमारा अपडेट हो चुका है 3 से। देन हमने चेक करा, 11 3 से छोटा है, जो कि नहीं है। लूप खत्म हो गया, रिजल्ट में हमारी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो गई, तो हम फाइनली हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट। अब ये फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इस रिजल्ट में स्टोर हो गई, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, मिनिमम वैल्यू इज रिजल्ट, राइट। अब इस कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं, राइट, हमारा मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। लेट सपोज हम अपने एरे को एक बार अपडेट करते हैं, हम 40 को हटाकर 2 लिख देते हैं, तो अब हमारा कोड जो है, हमारी मिनिमम वैल्यू 2 आनी चाहिए, राइट। तो हम इसको दोबारा रन करेंगे, तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है,